मेरी मंजिल मेरे करीब है इसका मुझे एहसास है। मेरी मंजिल मेरे करीब है इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं इरादों पे अपने, गुमान नहीं इरादों पे अपने, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, हौसला बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए, और ये दोनों मिलके आपको बहुत ही जल्द सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचाएंगे। विद दिस पॉजिटिव थॉट आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रेंड्स टॉपिक टेस्ट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है फ्रेंड्स कि इस टाइम पे जबकि यूपी टीजीटी पीजीटी और DSSB के एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और स्क्रीन पे आप देख के समझ ही गए होंगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑफर्ड, यानी कि पूछा जा रहा है कि फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट बैटरी जो कि ऑफर्ड का एक भाग होता है वो किसके लिए उपयोग होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, द करेक्ट आंसर इज लड़कियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है उसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ ऑफर्ड, ओके, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसमें शामिल होती हैं, ये है एक प्रकार का मोटर फिटनेस टेस्ट है जिसमें 6 बैटरीज को शामिल किया जाता है, और क्वेश्चन में जो बात की गई है वो फर्स्ट पार्ट होता है बैटरी का, जिसमें पुलअप्स जो होता है वो बॉयज़ के लिए और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग जो होता है ये गर्ल्स के लिए, शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए, शोल्डर स्ट्रेंथ के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे शामिल किया जाता है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि पुलअप्स टेस्ट बैटरी, यानी कि अभी अभी हमने आपको बताया है कि पुलअप्स जो कि बॉयज़ के लिए ऑफर्ड में यूज़ किया जाता है तो वो किसके लिए होता है, तो पहले ही आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, लड़कों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके सभी डाउट्स को हम समझाते हुए यहाँ पे चलेंगे। सिटअप्स, सिटअप्स के द्वारा क्या मापा जाता है, और सिटअप्स का नाम लेते ही तो सभी को समझ में आ गया होगा, बात की जा रही है कि एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए सिटअप्स का यूज किया जाता है, और ये भी ऑफर्ड मोटर फिटनेस टेस्ट का ही एक भाग होता है जिसमें शामिल होता है, जिसमें शामिल होता है फ्लेक्स्ड लेग्स सिटअप्स जो कि एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विस्फोटक शक्ति को मापने वाला निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, और विस्फोटक शक्ति का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे वर्टिकल जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील शक्ति को किसके द्वारा मापा जाता है, एंड वॉट इज करेक्ट आंसर, रोप क्लाइंबिंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है, और बात की जा रही है यहाँ पे स्ट्रेंथ की, और व्हाट इज करेक्ट आंसर, व्हाट इज करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, डायनेमोमीटर इज करेक्ट आंसर। एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन सभी एग्जाम में फ्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं। हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन को मापने वाला निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हार्ट बीट की बात करते ही आप समझ गए होंगे स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप इज करेक्ट आंसर। ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र, मोस्ट फेमस क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, JCR टेस्ट में कौन सी टेस्ट बैटरी शामिल नहीं है, तो JCR का फुल फॉर्म आप पहले बताइए क्या होता है, तो यहाँ पे JCR का फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं, वर्टिकल जंप चिनिंग अप एंड शटल रन से यहाँ पे मतलब है, और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी टेस्ट बैटरी शामिल नहीं की जाती है, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाधा दौड़ जंप शामिल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि चिनिंग अप जो कि सी से मतलब है, वर्टिकल जंप जो कि जे से मतलब है, और शटल रन इसमें शामिल किए जाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लोवा ब्रेस्ट मोटर एजुकेबिलिटी परीक्षण में कौन से टेस्ट आइटम शामिल नहीं होते हैं, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्टिकल जंप इसमें शामिल नहीं होता है। बैरोमीटर योग्यता टेस्ट में कौन सी टेस्ट बैटरी शामिल है, ओके फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बैरोमीटर टेस्ट में कौन से बैटरी शामिल किए जाते हैं, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिग जैग रन और 60-yard रन जो है इसमें शामिल होते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बैरोमीटर योग्यता परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन से टेस्ट आइटम शामिल नहीं होते हैं, इसमें कौन सा शामिल नहीं है, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, सॉफ्ट बॉल थ्रो जो है
वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉट मोटर योग्यता टेस्ट में कौन से टेस्ट आइटम शामिल किए जाते हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी और डी इज करेक्ट हियर, बिकॉज बास्केटबॉल थ्रो, बाधा दौड़, जंप और रन, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, कि बैलिस्टिक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? और बैलिस्टिक टेस्ट या मेथड का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे, इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलेपन के मापन के लिए किया जाता है। पूल हॉन्ग सर्विस किस खेल से संबंधित है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑफर्ड फुटबॉल कौशल परीक्षण में कौन सा टेस्ट बैटरी शामिल होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? उपरोक्त सभी, यानी कि 50 यार्ड रन फुटबॉल के साथ, फॉरवर्ड पास एक्यूरेसी के लिए, जिग जैग रनिंग के समय बॉल बदलना, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। स्कॉट मोटर योग्यता परीक्षण में कौन सी टेस्ट बैटरी शामिल नहीं की जाती है पूछा जा रहा है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 50 यार्ड दौड़ बेसबॉल के साथ इसमें शामिल नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कि ऑफर्ड टेस्ट में कितने बैटरी या कितने आइटम शामिल किए जाते हैं, और सही आंसर आप सबने गैस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 आइटम। पहले ही क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, जो कि ऑफर्ड का फुल फॉर्म है, इसमें 6 टेस्ट बैटरी आइटम्स को शामिल किया जाता है। जो नंबर 1 है वो है पुलअप्स फॉर बॉयज एंड फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स, जो कि शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए होता है। दूसरा है फ्लेक्स्ड लेग सिटअप्स, जो कि एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए होता है। शटल रन यानी कि स्पीड एंड एजिलिटी के लिए। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप जो होता है वो एक्सप्लोजिव पावर ऑफ लेग के लिए होता है। देन 50 यार्ड डैश जो होता है वो स्पीड के लिए, और 600 यार्ड रन जो होता है वो एंड्योरेंस के लिए किया जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अचीवमेंट का संबंध होता है, और अचीवमेंट का संबंध जो होता है वो किससे होता है? यहाँ पे माप से यहाँ पे मतलब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि BMI बॉडी मास इंडेक्स मापने का क्या फॉर्मूला होता है, और आप सभी ने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा कि हाइट इन किलोग्राम फ्रेंड्स, वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट स्क्वायर इज करेक्ट फॉर्मूला। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्बन्स टेस्ट का संबंध किस खेल से है? हर्बन टेस्ट मतलब हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सहन क्षमता यानी कि एंड्योरेंस के लिए किया जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बेंच यानी स्टूल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? लड़कों के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 इंच। ओके फ्रेंड्स, मानव शरीर की वसा मापने के लिए कितनी जगह से स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली DSSB और सभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है एज इट इज, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि केबल टेंशन परीक्षण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ओके फ्रेंड्स, और व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केबल टेंशन का जो होता है वो ताकत के परीक्षण के लिए किया जाता है। बैक और लेग डायनेमोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? और बैक और लेग डायनेमोमीटर का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे, व्हाट इज करेक्ट आंसर? बैक और लेग की ताकत को मापने के लिए किया जाता है। डायनेमोमीटर मींस ताकत के लिए। निम्नलिखित परीक्षण या मदो यानी बैटरी में से कौन सी बैटरी ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट जो कि जूनियर और सीनियर हाई स्कूल के लिए है शामिल नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, सिटअप्स। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक फिटनेस एक योग्यता है जो कि, इसका क्या मतलब होता है? फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। दैनिक कार्य करने की क्षमता को शारीरिक फिटनेस के रूप में जाना जाता है। परीक्षण होते हैं तो यानी जो टेस्ट होते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कि विद्यार्थियों के कार्यक्रम के लिए, मूल्यांकन के लिए ये किए जाते हैं। नेक्स्ट, वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? और वेट स्पायरोमीटर का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे, व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट, वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, की मशहूर क्रॉस बेबर्ट परीक्षण में कितने आइटम या बैटरीज का प्रयोग होता है? और क्रॉस बेबर्ट टेस्ट का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे, जो कि मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 6 बैटरीज में शामिल किए जाते हैं, और इसका यूज मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ मेजरमेंट के लिए किया जाता है।
स्कॉट और फ्रेंच परीक्षण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ट्रंक हिप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है। टेनिस का कौशल मापता है, तो कौन सा है निम्न में से टेस्ट जो टेनिस के लिए यूज किया जाता है? तो आप सभी ने गेस कर लिया होगा, डायर टेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। टूर्नामेंट एक पर्याप्त मानक के रूप में कार्य करते हैं जो कि स्थापना करते हैं व्यक्ति में, किस चीज की स्थापना करते हैं? तो करेक्ट आंसर वैलिडिटी। व्हाट इज करेक्ट आंसर? वैलिडिटी। सर्जेंट जंप मापती है, और सर्जेंट जंप निम्न में से क्या मापती है? वर्टिकल कूदने की योग्यता। ओके, वर्टिकल जंप की एबिलिटी को मापने का एक तरीका होता है। निम्नलिखित में से किस टर्म्स यानी मामले में परीक्षण द्वारा कुछ नहीं मापा जाता? और करेक्ट आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा कि क्रिएटिविटी, क्योंकि जो ये है ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो टेस्ट के ही पार्ट्स होते हैं। शरीर में कितने प्रकार के मांसपेशी फाइबर हैं और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो बायोप्सी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कि मसल फाइबर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसे बायोप्सी के नाम से जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डियो रेस्पिरेटरी सहन क्षमता को मापने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज पूछ लिया जाता है। एंड व्हाट इज मापने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, यानी कि जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लिखित परीक्षा की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का उद्देश्य निर्धारित होता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उपरोक्त सभी, यानी कि बार बार परीक्षण के बीच कोरिलेशन, स्प्लिट हॉवेल्स परीक्षण के बीच कोरिलेशन, बराबर रूप परीक्षण के बीच सहसंबंध, उपरोक्त सभी इससे इसमें शामिल किए जाते हैं। एग्रोमेट्री एक तरीका है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि स्कूली बच्चों में गलत मुद्रा यानी बैड पोस्चर होने का एक प्रमुख कारण निम्न में से क्या होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? पढ़ने, बैठने, खड़े होने और चलने की बुरी आदतों की वजह से बैड पोस्चर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके मापन के लिए पैडोग्राफ का प्रयोग किया जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? फ्लैट फुट के लिए पैडोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस वेबर टेस्ट का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, कम से कम मांसपेशियों की शक्ति यानी कि मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ मेजरमेंट के लिए क्रॉस वेबर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। लचीलेपन का मूल्यांकन यानी कि मेजरमेंट किससे किया जाता है? तो गोनियोमीटर। ऑफर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताइए आप सभी कि ऑफर्ड का फुल फॉर्म निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए सभी स्कोर का योग जो कि सभी परीक्षणों से हो को प्रयोगात्मक स्थिति में शामिल करने को क्या कहा जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? स्कोर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग एजिलिटी मेजरमेंट के लिए नहीं होता है? देखिए ध्यान से, नहीं पूछा गया है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग मोटर क्षमता पता लगाने के लिए नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो मोटर क्षमता का पता लगाने के लिए यानी मोटर एबिलिटी के मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।